क्या आप जानते हैं कि एक दिन गंगा धरती से विलुप्त हो जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब बद्रीनाथ धाम का पता बदल जाएगा। जी हाँ, ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हिंदू धर्म को जानने वालों के मुताबिक ये सत्य है। इस बात का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। भविष्य में गंगा धरती से गायब होकर एक बार फिर स्वर्ग लोक चली जाएगी, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन के बाद भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ का भी पता बदल जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह मान्यता क्या है। बद्रीनाथ के अपने कई रहस्य हैं, चाहे वो पूजा के दौरान शंख का ना बजना हो या फिर पुजारी का स्त्री की वेशभूषा पहनकर पूजा करना हो। इन सभी मान्यताओं के अपने अपने कारण भी हैं। इन्हीं में से एक मान्यता जुड़ी है बद्री विशाल के स्थान परिवर्तन को लेकर। बद्रीनाथ का नृसिंह की मूर्ति से जुड़ाव बद्रीनाथ से 46 किलोमीटर दूर जोशीमठ में नरसिंह भगवान का एक प्राचीन मंदिर है। भगवान नारायण का यहाँ मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति से विशेष जुड़ाव माना गया है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उसमें एक दिन नरसिंह भगवान की प्रतिमा उभर आई। उसी क्षण उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण ने उन्हें रौद्र रूप के बजाय शांत रूप में दर्शन दिए। जोशीमठ का यही नरसिंह मंदिर भगवान नारायण का शीतकालीन निवास स्थान भी है। कहा जाता है कि वहां मौजूद नरसिंह भगवान की उस मूर्ति की एक कलाई हर साल पतली हो रही है, और वर्तमान में नरसिंह भगवान के हाथ का वो हिस्सा सुई के गोलाई के बराबर रह गया है। कहा जाता है जिस दिन ये कलाई टूट जाएगी, उस दिन के बाद बद्रीनाथ धाम में मौजूद नर नारायण पर्वत, जिन्हें विजय पर्वत भी कहा जाता है, वो आपस में मिल जाएंगे। कहावत है, इससे बद्री विशाल पहुंचने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। हालांकि इस दिन के बाद भगवान विष्णु के दर्शन जोशीमठ से 17 किलोमीटर दूर स्थित भविष्य बद्री में होंगे।